जिस तरह से आज प्रेस वार्ता की जा रही है, आखिर क्या कारण है, ऐसा क्या विगत परिस्थिति है जिसके कारण आज ये प्रेस वार्ता की गई? देखिए, सभी के संज्ञान में है कि ओमिक्रॉन इतने तेजी से बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में यदि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव निश्चित डेटों पर कराए जाते हैं तो संभवतः कोरोना अपना विस्फोट करेगा और महामारी का रूप ले लेगा। जनता जनार्दन से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारा सीधा सीधा आग्रह है चुनाव आयोग से इन चुनावों को 4 से 6 हफ्ते के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि कर्नाटक में भी ऐसा हुआ है कि 4 से 6 महीने के चुनाव टाल दिए गए हैं, 4 हफ्ते या 6 हफ्ते। और क्योंकि वहाँ की अपेक्षा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जब वहाँ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए क्यों नहीं और अन्य 5 राज्यों के लिए क्यों नहीं? लगातार आगे बढ़ाया जाता है तो उस हालात में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, क्या ये उचित संभव हो सकेगा चुनाव आयोग के लिए? नहीं, बिल्कुल राष्ट्रपति शासन तो यही है और आचार संहिता लगी है, धारा 144 लागू है। धारा 144 क्या, पोलिंग बूथ पर जब 250-300 लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी तो धारा 144 का मतलब क्या है? और शासन भी होगा, प्रशासन भी होगा। और ये चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि पंचायत चुनावों में ऐसा हुआ है लेकिन उस वक्त इतना गंभीर कोरोना नहीं था जितना आज की परिस्थिति में है। आज की परिस्थिति को देखते हुए तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग को चाहिए 4-6 हफ्ते को चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाए। जिस तरीके से आपकी अपील है, इस अपील को अगर चुनाव आयोग नहीं मानता तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैं अगर इनको समय का मामला है, मैंने लेटर डाल दिया है, परसों मैंने चुनाव आयोग से आग्रह मैंने भी कर लिया है और भी कई लोगों ने मेरे संज्ञान में आया कि और भी कई संगठनों ने किया है, मेरे भी संगठन के लोगों ने भी पहले भी एक प्रार्थना पत्र दिए। लेकिन यदि चुनाव आयोग हमारी इस बात से सहमत नहीं है तो मुझे माननीय न्यायालय में जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, लेकिन जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। हो सकती है ये चुनाव आयोग का कहना उन परिस्थितियों को देखते हुए ये तय तारीख की गई है, लेकिन यदि अगर ये तय तारीख को आगे बढ़ाया जाता है तो क्या आपको लगता है इस स्थिति में आगे चुनाव हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है चुनाव। देखिए, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें हम बाधा नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये प्रक्रिया जनमानस की जिंदगी से बड़ी नहीं है। यदि हम इसको टाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कोरोना की डोज जैसे कि अभी पूरी नहीं हुई है, उस बीच में कोरोना की डोज भी पूरी हो जाएगी लोगों के लिए। कोरोना इतना प्रभावी नहीं होगा, 4-6 हफ्ता कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और तब तक अन्य चीज़ें भी लोगों के सामने आएंगी। और हम ये नहीं कह रहे कि आचार संहिता आप हटाएं, आचार संहिता बराबर लगी रहने दें जिससे कि लोग अपना जो है पूरी तरह से भीड़ भाड़ की तरह बचे रहें और प्रचार भी सीमित व्यवस्था में।